पूरे भारतवर्ष के जैन समाज के भाइयों और बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। दीपावली एवं नवीन वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। बीजेएस का राष्ट्रीय अधिवेशन अगले महीने में 15 और 16 दिसंबर को बेंगलोर में होने जा रहा है। बीजेएस पिछले 35 वर्षों से लगातार समाज में उत्थान का काम कर रही है। सामाजिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र और नैसर्गिक आपदा प्रबंधन क्षेत्र में बीजेएस का कार्य काफी बड़ा है। मुझे काफी खुशी है कि भारतवर्ष से हजारों कार्यकर्ता बीजेएस का कार्य कर देश भर में काम कर रहे हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं इस अधिवेशन में आने के लिए आग्रह करता हूं। साथ ही साथ बीजेएस का नैसर्गिक आपदा प्रबंधन क्षेत्र का कार्य देश भर में काफी फैल रहा है। 2 साल पहले हमने जो कमिटमेंट की थी उसको दुगुना बीजेएस ने करके बताया है। अब केंद्र शासन भी पूरे देश भर में सूखा बढ़ने की वजह से कई राज्यों में बीजेएस को लेकर सूखे का काम करने के लिए जा रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि जैन समाज के कार्यकर्ताओं ने जो काम शुरू किए हैं वो अभी देश भर में देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, सूखा खत्म करने के लिए काम में आ रहे हैं। इतनी साल की मेहनत अभी हम हर प्रोग्राम को स्केल करने में यूज कर रहे हैं। अभी हमारा समय आ चुका है कि हम देश में बड़ा बदलाव लाएंगे। बीजेएस हर चीज में अग्रेसर है, ये केवल अपने कार्यकर्ताओं की वजह से। शिक्षा के क्षेत्र में बीजेएस ने इतना बड़ा काम करके बताया है कि आने वाले कुछ वर्षों में पूरे कंट्री में एक स्कूल एजुकेशन में काफी बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। जो पिछले 70 वर्षों से आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गैप थी उसको फिल करने का काम सही ढंग से किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग 15 और 16 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर बेंगलोर में आते हैं तो बीजेएस की कार्यशक्ति, कार्यप्रणाली और अगले 2 साल के प्लानिंग करने के लिए, देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, समाज के प्रश्नों को समझ के छोड़ने के लिए, जैसे समाज के अंदर स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम हो, माइनॉरिटी का प्रोग्राम हो, वधू वर परिचय सम्मेलन के प्रोग्राम हो, ऐसे कई सारे प्रोग्राम, ढेर सारे प्रोग्राम लेकर बीजेएस समाज के अंदर है, समाज के बाहर भी है। भाइयों, अभी समय आ गया है, अब बड़ा बदलाव होना जरूरी है। बीजेएस में बड़ा बदलाव करने का पोटेंशियल है, इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि चलो हम सब साथ में मिलकर देश को बदलने के लिए काम में आएंगे। हमारी भी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम प्रयास करेंगे, इतनी आपको विनती करता हूं। और आप सबको 15 और 16 दिसंबर को बेंगलोर में आने के लिए निमंत्रण देता हूं। जय जय।